हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये मेरा नेक्स्ट व्लॉग। तो कल तो बहुत मज़ा आया था, पूरा मेला वेला घूमे थे, बहुत मस्ती किए, बहुत मज़ा आया। और आज अभी थोड़ी देर पहले हम उठे होंगे और बस उठे ही हैं, नहाए नहीं है। किसी दिन नहीं भी नहाते हैं तो लगता है ऐसा कि नहाए हुए हैं, और किसी दिन नहा भी लेते तो ऐसा लगता ही नहीं कि नहाए हुए हैं। तो बस ब्रश वगैरह किए और तो कुछ नहीं, ज़्यादा भी बात वो नहीं है। बात है आज मौसम अच्छा है, थोड़ा सा ठीक है, बारिश नहीं हुआ है बट ठंडा मौसम है, धूप भी उतना नहीं हुआ है, मतलब इस वजह से ना थोड़ा ठीक लग रहा है। वरना पूरा गर्मी रहता था तो चेहरा पे 12 बजा हो रहता था, तो इस वजह से आज लग रहा है, तो मतलब ठीक लग रहा है, जेंटलमैन जैसे लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल 8 बज गया है और अभी सबसे पहले नहाएंगे और कुछ कुछ नीचे का काम है। हम कपड़ा दिए थे ये करने के लिए, उसको पहले हम क्लीन कर लेंगे, फिर पटाख से पहले नहाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और आज पापा भी आए हैं तो थोड़ा सा आराम से रहना होगा, पढ़ाई वढ़ाई करना पड़ेगा वरना पापा मारेंगे भी। ऐसे पापा मारते नहीं हैं बट पापा से डर लगता है बहुत ज़्यादा, हम सबको, तीनों भाई बहन को डर लगता है, हमको थोड़ा ज़्यादा लगता है, भाई को थोड़ा कम लगता है, क्योंकि वो बचपन में वो लोग पापा के साथ ज़्यादा रहा, हम नहीं रहे, हम दादी दादाजी के साथ रहते थे धनबाद में, तो इस वजह से मतलब बोल सकते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, आते हैं हम सब नहा वहा के फ्रेश हो के आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। नहाने से पहले हमको एक चीज़ याद आया कि हम ना घर पे एक वो लगाए थे, एक फूल का वो लगाए थे, मतलब कि लत होता है उसका, हमको पता नहीं कि उसका नाम क्या है बट हम कहीं देखे थे, ठीक है। पिछले साल ना एक बगल में आंटी रहती है, उनके घर पे वो छत पे खिला हुआ था तो हम देखे थे। तो इस बार कुछ दिन पहले का व्लॉग में हम आप लोग देख रहे होंगे कि हम पेड़ वो कवाड़ रहे थे तो वहीं से लाए थे, हमको मतलब पता चल गया था वही वाला है तो हम घर पे ला के लगा दिए, क्योंकि ऐसे ही किसी का वो पे था तो हम उखाड़ के ले आए। तो आज उसमें फूल खिला है तो दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत सुंदर है ये, देखो फूल। अगर जो भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको इस फूल का नाम पता है तो प्लीज़ हमको भी बताना थोड़ा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से हम जाके इसको ख़रीदेंगे। इस बार तो कहीं से कबाड़ के ले आए और बोल के ले आएंगे, मतलब कि लगाने के लिए बहुत ज़्यादा लगाएंगे, इसका लत होता है पूरा लत। हम सोचे थे क्या बहुत घना हो जाएगा, पूरा अच्छा लगेगा बट उतना फैला ही नहीं इस वजह से। तो आते हैं फ्रेश होके नहा के, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। अभी पूजा करके आ गए हैं, दिख भी रहा होगा, मतलब बगल में ही एक छोटा सा मंदिर है तो वहीं पे जाते हैं डेली। और क्या, तो पूजा भी हो गया है, ये देखो नहा भी लिए, फ्रेश चाहिए अभी, और अभी पढ़ाई करना है वरना पापा आए हैं कूटेंगे भी सब। उन दोनों तो भाग गए, वो स्कूल भाग गया है, वो ट्यूशन भाग गया, हम कहाँ जाएंगे, मेरा तो घर ही यहीं है, तो इसलिए अभी पहले हम थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, जो भी अपना देख लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। एज़ यूजुअल जैसा कि डेली मेरे साथ होता है कि पढ़ने के बाद नींद बहुत तगड़ा सा आता है, तो सेम वही हुआ था। उसके बाद बहुत ज़ोर कम को नींद आ गया था तो फिर हम सो गए, फिर सो के उठे तो खाना खाए नॉर्मल, चावल दाल सब्ज़ी जो भी बना हुआ था। तो अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, शाम हो गया और हम अभी उठे हैं, मतलब क्या ही बोला जाए। तो कल का दिन तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, मेला घूमे ये वो, बट आज तो कुछ खास है नहीं, लेकिन एज़ यूजुअल जो भी है सही है। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि कल बहुत गर्मी था बट आज मौसम ठंडा, देखो मौसम कैसा है, पूरा हवा चल रहा है मस्त। और ये देखो एक चीज़ दिखाते, सुबह जो हम फूल दिखाए थे ना, देखो उसका क्या हाल, वो सुबह में ना बारिश पड़ा था, सुबह नहीं अभी थोड़ी देर पहले फूल ही सब मुरझा गया। और मौसम देखो कुछ कैसा है,
बहुत अच्छा है, ठंडा है, मस्त है, अच्छा है एनवायरमेंट बाहर का। अच्छा ये चीज़ अच्छा है कि गर्मी थोड़ा कम हुआ, वरना बहुत ज़्यादा ही गर्मी था, नॉन स्टॉप दिमाग ख़राब हो गया था। तो अभी शाम है तो थोड़ा सा जाते हैं छत पे, छत से व्यू दिखाएंगे। और हाँ, मेरे छत से ना तारा माची दिखता है जहाँ पे मेला लगा था, तो हम वो भी दिखाएंगे। थोड़ा सा छत पे वॉक करेंगे, फिर आएंगे नीचे तो थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। देखो झूला हुआ और दिखाते हैं, यस दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, वो वही है झूला। बहुत प्यारा व्यू है इधर से। अभी जस्ट छत पे गए और बारिश स्टार्ट, फिर मूड ही ख़राब हो गया यार। जबकि छत से कितना प्यारा व्यू दिखता है ना उधर, पहाड़ खेत वेत बहुत सुंदर लगता है हमको वो सब देखना। नेचर बहुत 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 अच्छा लगता है, मतलब शांति मिलता है, बट क्या ही बोला जाए। पर कोई नहीं, अभी रूम में आ गए हैं और थोड़ा बहुत कुछ मेरा काम है, कुछ लिखना उखना है तो वो सब कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हम सुबह लिखे थे बट आधा ही छोड़ दिए थे, वो कंप्लीट कर लेते फिर मिलते हैं आपसे। कल शाम के बाद जब वो लिखने उखने के बाद फिर हम कुछ शूट ही नहीं किए, क्योंकि ना पापा थोड़ा सा गुस्सा थे, मतलब होता है ना वो पढ़ाई वढ़ाई, तो इस वजह से लेके भाई लोग पढ़ता नहीं है, मतलब नॉर्मल सब स्टूडेंट यही कहते हैं। हम भी अभी नहीं पढ़ रहे हैं, मेरा भी उतना कुछ पढ़ाई मतलब पूरा सीरियसनेस वाला नहीं चल रहा, बट एग्ज़ाम है तो उसी को लेके लिखना उखना जो भी याद करना, ऐसे कुछ मेरा अपना वो नहीं चल रहा जो करना प्रिपरेशन, तो इस वजह से पापा गुस्सा थे, आए थे रूम में, तो उसके बाद फिर हम देर से फ़ोन छुए ही नहीं, कुछ भी वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना। मैं गलत था, सब फंस गया लग रहा है। उसके बाद फिर खाना पीना खाया हम लोग भी, लिखे होके जो है सब तीनों भाई बहन डायरेक्ट रूम में सोना, तो इस वजह से कुछ भी शूट नहीं कर पाए हम। बट आज कोशिश करेंगे कि हम हर चीज़ शूट कर पाएँ, क्योंकि कल डर से नहीं किए थे, क्योंकि पापा को नहीं पता है कि हम कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे समथिंग, क्योंकि उनका कहना क्या कि जो करना है उस पर फोकस करो, इधर उधर ध्यान नहीं दो। वो भी सही है उनका कि हाँ जो करना है लाइफ में उस पर फोकस्ड रहो, बाकी अदर थिंग्स पे नहीं। और हम कभी सोशल मीडिया पे ऐसे आए नहीं, और हमको खुद उतना सोशल मीडिया कुछ भी पसंद नहीं है। इनफैक्ट हम इधर रिसेंट में क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम ऑन किए हैं, जस्ट रिसेंट में, जबकि आई होप मेरे जितने भी फ्रेंड्स होंगे वो बहुत पहले से कर रहे होंगे, या फेसबुक पे तो हम हैं ही नहीं, जब था भी तब पर भी नहीं थे। और रहा बात व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप पे है थोड़ा बहुत जो भी है फैमिली कांटेक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ भी भेजना है किसी को या समथिंग, कुछ ग्रुप में एडेड है क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह का नोटिफिकेशन या कुछ भी होता है तो वो ग्रुप पे ही आता है, तो इस वजह से वो है। लेकिन व्हाट्सएप पे भी उतना किसी से भी बात नहीं, किसी से बस काम भर, हाँ ये वो थोड़ा बहुत हो गया बस बात खत्म। अगर आपको किसी को भी मेरे से कॉन्टेक्ट या किसी हमको किसी से कुछ काम रहता है तो हम कॉल कर लेते हैं, किसी को भी रहे तो कॉल ही कर लो, जो भी रिलेटिव्स मेरे देख रहे फ्रेंड्स, क्योंकि हमको मैसेज उतना नहीं पसंद है। इंस्टाग्राम पर भी रिसेंट आए हैं और उसमें भी मतलब कि हमको लगता है क्या कि जो भी मेरे फ्रेंड्स होंगे उसमें से दो तीन चार ही ऐसे होंगे जिनको कि जिन बात हो, तो इंस्टा पे भी उतना भी नहीं, बस खाली हाँ एक दूसरे को रील्स शेयर करना, फनी रील्स ये वो हंसी वाला, तो बस उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो भी उतना देर ऑनलाइन नहीं रहते हैं, हम बहुत कम ही आ गए तो 10-15 मिनट यूज़ कर लिए हैं, थोड़ा सा रील्स बस, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं, क्योंकि हमको शुरू से सोशल मीडिया उतना कुछ खास पसंद नहीं था पहले, बट अब धीरे धीरे इसीलिए तो उतना। और पापा का भी वही सीन है कि वो भी ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहते, वो इनफैक्ट बस यूट्यूब वगैरह चला रहे हैं, हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, फेसबुक उनका फेसबुक अकाउंट होगा, फेसबुक से भी कोई मतलब बस अकाउंट बना हुआ है इसीलिए, तो होता है तो पेरेंट्स हैं तो नॉर्मल है बोलेंगे, तो इस वजह से हम कुछ भी शूट नहीं किए। बट आज से कोशिश करेंगे हम हर चीज़ शूट कर सकें, पक्का प्रॉमिस। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, हमको पता है कि आज के ब्लॉग में हम कुछ भी शूट नहीं किए,
बट फिर भी आप लोग मेरे अपने हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो अगर मैं चैनल पे नहीं हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में पक्का। और पक्का हम प्रॉमिस करते हैं कि हम माची शूट करेंगे ऐसे, प्रॉमिस रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।